तो बूढ़ी हो जाए मैया, बेटे को बाहर नहीं निकालना चाहिए और धन नहीं बेचना चाहिए। जो सेवा करेगा वो धन खाएगा माँ बाप का। मेरे पति को गुजरे 28 साल हो गए, 96 में गुजरे। उनके सामने तो दुख क्या होता कभी नहीं समझा। बेटे की याद आती है? नौ दुकान थी, चार मकान था, धीरे धीरे करके सब मिलके पूरी संपत्ति ने कागज कर करके भर दी। ये बोलते हैं तेरे को पानी भरना पड़ेगा, वो जो भी कराओगे तो करेंगे। पूत कपूत सुने बहुतेरे, माता नहीं कुमाता। ये आरती की एक लाइन है जो यहाँ पे आपको दिखेगी। ये हमारे पीछे जो माताएं बैठी हैं, ये अलग अलग राज्य से हैं, अलग अलग समाज से हैं, अलग अलग जाति धर्म से हैं, लेकिन इनका सबसे बड़ा जो समान है, जो दुख है, वो ये है कि इनके अपनों ने इनको भुला दिया। आइए बात करते हैं यहाँ पे कृष्णा कुटीर में कुछ माताओं से, बुजुर्ग माताओं से, खास करके जो वृद्ध हैं, और यहाँ पे ये रह रही हैं, कैसे रह रही हैं, किन हालात में रह रही हैं, और क्यों अपनों से दूर रह रही हैं। जी माता जी, आपका क्या नाम है? मेरा शशि रावत जी। ये बताएं माता जी, यहाँ पे कितने साल से हैं? मैं 3 साल से हूँ। 3 साल से? हाँ जी। तो कंप्लीट हो गए। तो आप घर कब से नहीं गई हैं? मैं घर एक बार गई थी बस, अब ये याद नहीं है कितने दिन हो गए। वैसे 2 साल हो गए गए हुए भी। कभी अगर बच्चे आपको वापस लेने के लिए आए तो आप जाना चाहेंगे? मान लीजिए वो कुछ ऐसा वादा करते हैं कि नहीं करेंगे, या वो लोग पहले भी एक बार जब ले गए थे ना, तब भी उन्होंने यही बोला था अब ऐसा कुछ नहीं होगा माँ चलो, लेकिन फिर उन्होंने वही अपना काम शुरू करा, फिर मेरे को नहीं जमा। मथुरा के इस कृष्ण कुटीर आश्रम में रहने वाली बुजुर्ग महिलाओं की आंखों के आंसू भी सूख चुके हैं। जिन बच्चों को उंगली पकड़कर चलना सिखाया, उम्मीद थी कि वो उम्र के आखिरी पड़ाव में सहारा बनेंगे, लेकिन वही बच्चे इन्हें यहाँ अकेला छोड़ गए। कितने बच्चे हैं? 2 लड़की 1 लड़का। वो क्या करते हैं? पता नहीं साहब, मेरी पूरी संपत्ति बेच दी, वो बुढ़ापा के लिए रखी थी पूरी संपत्ति, ने फर्जी कागज करके पूरी बेच दी, मेरे जमीन मकान दुकान सारी चीज बेच दी। मेरे 1500 गत्तों जमीन थी, मकान फोड़ लिया, मैं चले गए राजकोट। दोनों पैरों से लाचार होने के कारण मैंने को यहाँ आना पड़ा, नहीं तो मैं बहुत दुखी थी। उतना दुख देखो, 60 साल तो आज भी नहीं मरे होंगे। अभी जल्दी में आई है? मेरी लड़की दामान आए थे मेरे को छोड़ने के लिए। लड़की आपको छोड़ने के लिए आई? सोचिए, छोटी वाली के पास, वो अकेली है, वो अकेली नहीं सह सकती, बच्चे ससुराल के बहाने रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है माँ का। एक तो बूढ़ी हो जाए मैया, बेटे को बाहर नहीं निकालना चाहिए और धन नहीं बेचना चाहिए। जो सेवा करेगा वो धन खाएगा माँ बाप का, बेटा नहीं खाएगा, चाहे जात का गरीब हो, अमीर हो, चाहे जात का कोई नीचे जात का ही हो। यही तो कानून निकालो ये है ना, तो माँ को बाहर नहीं निकाले, ऐसी माताएं कहाँ जाएगी? सोचो आप, अब कहाँ जाए, किसके दरवाजे जाए, कोई भी नहीं रखता। मोदी जी को बोलो कानून निकालो एक। बड़ा बेटा का शादी किए तब तक तो ठीक था, छोटा बेटा को शादी किए तो मेरी छोटी बहू से नागन आ गई, बहुत टर्च। फिर बड़ा बेटा अलग हो गया और हम अपना मकान में रहने लगे। बहुत टर्चर करता था, रूम बंद कर देता था, खाना नहीं देता था, तबीयत खराब होता था, ताला बंद करके मैं के चल जाती थी। जब बेटा को फोन करते तब बोला था कि हम आएंगे तब रूम खुलेगा, बीच में अंदर भूखे हम है पानी पी कर रह जाते थे। 15 दिन आप कुछ खाने को नहीं मिलता, बाहर से ताला बंद कर दिया, बाहर बंद करके चल जाती थी बहू। अपनों के इंतजार में बूढ़ी आंखें थक चुकी हैं, कांपते हाथों से अपना काम करना मजबूरी है, झुकी कमर और आंखों में आंसू गवाह हैं, ये किस कदर लाचार है। फिर भी विडंबना देखिए, ये माताएं अपने बच्चों का नुकसान नहीं चाहती। क्या नाम है आपका? सुमन। सुमन, यहाँ पे कब से हैं? अभी 6 महीने हुए जा रहा है। बेटे ने साथ नहीं दिया आपका? हाँ, वो ऐसे ये है, झगड़ा लड़ाई झगड़ा लड़ाई झगड़ा
लड़े झगड़े बेटे की याद आती है, आप मत रोइए। पत्नी के चक्कर में माँ को भूल गए? हाँ भूले था नहीं अभी तो, लेकिन याद तो आती होगी, फोन उन पे बात होती है? हाँ होती है। क्या कहते हैं फोन पे? कहीं अच्छे राजू को से पूछ रहे, मैं भी पूछते रहते हैं उनका, पोता याद करता है। पोता याद करता है, पोते की याद आती है। क्या नाम है आपका? रामबाई केवट। रामबाई केवट, यहाँ पे कब से हैं? डेढ़ साल। डेढ़ साल से हैं। तो यहाँ पे कैसे आए, क्या आप मतलब आने की वजह क्या रही? हमारे बच्चे नहीं है, खत्म हो गए, पति देव हो गए, 40 साल खत्म। कोई और है आपका जो आपके परिवार में हो, जो आपकी चिंता? तो क्या होता है परिवार से, जब 40 साल से भैया का जहर खवा के मार डाले तो क्या होता है, हमारा मकान के पीछे, जमीन के पीछे कोई नहीं, सुबह राधा रानी के सुबह कोई नहीं। आप यहाँ क्यों आए, कैसे आए? 6 साल हला मत्था खराब रहे, छोड़ी जा रहे हरी। एक बच्चा, एक बच्चा था? हाँ एक बच्चा है, बेचारा शादी होगा 12 साल हला। शादी के बाद आ गए? हाँ बाद आ गए। जगत का झूठा सब धंधा, भजो मन राधे गोविंदा, बांध लिए दो तार में कुबजा कृष्ण मुरार। सब कृष्ण की भक्ति में लीन ये महिलाएं आज इस आश्रम को ही सब कुछ मान चुकी, अपनों से दूर यहीं अंतिम सांस तक रहना चाहती है। पर इनका दर्द ये सोचने को मजबूर जरूर करता है, आखिर हमने कैसा समाज बनाया? यहाँ पे जब आप आईं, वजह क्या थी, क्यों आईं आप यहाँ पे? यहाँ आने का मकसद यह था और यह है कि उन्होंने सोचा और हमसे लेते गया, फुल पेंशन हमें दो, चाहे 20 हो चाहे 50 हो, तुम पैसा लेकर क्या, अगर लोगी तो 1000 ले लो और सारा पेंशन हमें दो। बैंक से पैसा लेकर निकलते थे, पैसा ला दे। एक हजार बता था, हम रुके घर जाते थे, तो हमने बिचारा पति हमारे मर गए तो मेरा अंग भंग टूट गया, इसलिए अब स्थान को परिवर्तन करना चाहिए। क्या प्लेस में रह करके होगा, समाज साथ नहीं दे, थाना जाकर क्या होगा। सम अपना विचार के पुतहुआ के सामने से निकल गए। हम पढ़े थे ना पुस्तक में, जो अधिक कष्ट हो तो हत्या नहीं करना चाहिए, सुसाइड नहीं करना चाहिए, तो क्या करना चाहिए, तो प्लेस से डिस्प्लेस, एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाना चाहिए, न कि हत्या करना चाहिए। और आप जब यहाँ पे बेटा आपको लेने आया तब क्यों नहीं गई, क्या घटना थी? तो उतना हम भूल गए क्या उस दुखरा को? लोग अपने बच्चों को इस आस में बड़ा करते हैं कि वो उनके बुढ़ापे का सहारा बनेगा, लेकिन यहाँ की कहानियाँ आपको सोचने पे मजबूर कर देंगी कि इस बात में कितना दम है। यहाँ पे किस तरीके से लोग आते हैं, कैसे छोड़ जाते हैं, उनके पीछे कहानी क्या होती है? आपको तो हर रोज़ नई कहानी दिखती है। जी बिल्कुल, यहाँ पे हमारे पास हर तरह की माताएँ हैं, कुछ ऐसी हैं जिनके बच्चे उनको छोड़ जाते हैं, कुछ ऐसी भी हैं जो अपना भजन करना चाहती हैं और अब अपना जीवन जो है भगवान के चरणों में ही लगाना चाहती हैं, और कुछ ऐसी भी हैं जिनके आगे पीछे कोई नहीं रहता। तो दुख तब होता है जब उनके बच्चे उनको छोड़ने आते हैं, तो तब जो है वो चीज़ जो है वो व्यथा जो है वो देखी नहीं जाती है। वो दुख लगता है कि आज इस संसार में जो माताएं अपने बच्चों को इतना बड़ा करती हैं और उनके बच्चे जो हैं वो पल भर में ही उन्हें छोड़ के चले जाते हैं, ये भी नहीं देखते हैं कि उनके साथ आगे क्या होगा, वो कैसे रहेंगी,
इसमें कोई दो राय नहीं है कि कृष्ण कुटीर भगवान कृष्ण की नगरी में बना है, यहाँ पे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। परंतु फिर भी जो घर होता है वो घर ही होता है, चाहे आप आश्रम में स्वर्ग की सुविधाएं भी दे दें। ये जो माताएं हैं यहाँ पे इनको छोड़ गए, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इनको वापस लेने के लिए आते हैं, उनकी बुद्धि सही हो जाती हो? जी, मेरे पास अभी लगभग 1000 से ज़्यादा माताओं की रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, जिसमें से 550 के आसपास माताओं का हम पुनर्वास करा चुके हैं, जिनके परिवार के उनको ले भी गए हैं और वो अपने परिवार में सकुशल सुविधा से रह रही हैं। शिल्पा जी, आप जब बात करते हैं इनके बच्चों से तो उनका क्या होता है रिएक्शन? मतलब यहाँ पे रही 10-15 दिन, फिर आपने इनसे बात की, तो उनका क्या रहता है कि वो लेने आएंगे नहीं लेने आएंगे? नहीं, पहले तो फ़ोन ही नहीं उठाएंगे, जब हम बार बार फ़ोन करेंगे तो कोई जवाब नहीं देंगे और साफ कह देंगे कि हम नहीं आ सकते हैं। इवन माता की तबीयत भी ख़राब होती है, हम उनको बोलते हैं कि उनकी तबीयत ख़राब है, वो आपसे मिलना चाहती हैं, आखिरी वक्त में आपको देखना चाहती हैं। उनका जवाब होता है कि हम बहुत दूर हैं, हम नहीं आ सकते। आखिरी वक्त में भी नहीं आते? जी नहीं, बिल्कुल, उनकी मृत्यु भी हो जाती है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो आते हैं, मैक्सिमम लोग नहीं आते। फिर आते कब हैं वो, उनका डेथ सर्टिफिकेट लेने? हाँ, उनका डेथ सर्टिफिकेट लेने के लिए तो सपरिवार सब यहाँ पधार जाते हैं। सबकी कोशिश होती है कि अब डेथ सर्टिफिकेट ले लें, क्योंकि माता के नाम पे कोई प्रॉपर्टी हो या कोई पैसा हो तो उनको मिल जाए। बच्चे जिनको माताएं अपना दूध पिला के बड़ा करती हैं, जिनको अपनी गोदी में खिलाती हैं, वही बच्चे इनको कैसे यहाँ पे छोड़ जाते हैं? और ये वजह बताते हैं कि उनके घर में जगह नहीं है, उनके साथ कलह बहुत ज़्यादा है, तरह तरह की चीज़ें बताते हैं। और ये माताएं यहाँ पे रहती हैं, और ख़ास करके तब जब आते हैं जब उनकी डेथ हो जाती है और उनके नाम की जब प्रॉपर्टी होती है उसको भुनाने के लिए वो डेथ सर्टिफिकेट लेने आते हैं। मनीष मिश्रा, गांव जंक्शन। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गांव जंक्शन को फॉलो करें, व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।